जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और कुछ उदास भी होंगे, क्योंकि जिम की तैयारी हो गई है फिजिकल की, एसएससी जीडी की, तो वो लोग उदास हैं कि हमारा तो इसी टाइम में हो जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और जिनका फिजिकल तैयार नहीं हुआ है तो सोच रहे हमको समय मिल गया, ये अच्छी बात है। जैसे कि हमारे राहुल भाई हैं, कल उनसे हमारी बात हुई तो वो घर पर ही तैयारी कर रहे हैं, बोले अभी 30 मिनट में मैं 5 किलोमीटर रेस कर पा रहा हूँ और समय है सिर्फ बीच में 2-3 दिन का ही, क्योंकि 24 तारीख को उनका फिजिकल की डेट आ गई। तो इनके लिए गुड न्यूज भी है, क्योंकि आपको मौका मिला है, आप पूरी दमोखम से मेहनत कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि हमको ये ना सोचना पड़े कि 24 मिनट में हम 5 किलोमीटर रेस नहीं निकाल पाए। वो पहले भी फिजिकल में रह चुके हैं, वो एक राहुल नहीं है, इतने बहुत लोग ऐसे हमारे हैं जो कि फिजिकल में वहाँ फेल होते हैं। तो उन लोगों के लिए एकदम गुड न्यूज है, क्योंकि आपका अब फिजिकल पोस्टपोन हुआ है, अभी ये 15 दिन महीना या 10 दिन जो भी है अभी नई डेट को क्लियर होकर नहीं हुई है। तो आप लोगों का इस पर बात करते हैं, वैसे तो लोगों को पता चल गया होगा हमारे भाई बहनों को कि आपका फिजिकल पोस्टपोन हो गया, मेल के द्वारा आपको सूचना पर्सनली आपको भेजी जा रही है और इसका नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा जल्द ही। तो आप लोग जो है अपना मेल आईडी चेक कर लें और वहाँ पर आपको मेल दिखाई दे जाएगा, नहीं आया है फिर भी आप सभी का ये जो है पोस्टपोन हुआ है। तो दोस्तों इसी पर बात करते हैं, एसएससी जीडी का फिजिकल पोस्टपोन हो गया है तीसरी, मतलब दूसरी बार, 15 से था, 15 से 24 हुआ, अब 24 से भी फिर पोस्टपोन, तीसरी बार मतलब डेट आएगी फिजिकल के लिए। सभी डेट के बहुत से कैंडिडेट के पास मेल आ रहा है, बिल्कुल 5 तारीख वाले का भी आया है जिसका 5 मई को है, और 24 अप्रैल वाले के पास भी आया है मेल। तो इसका मतलब सभी का ही पोस्टपोन हुआ है। क्या सभी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है? जी हाँ, सबका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, फिजिकल जो है, PET, PST जो है आपका, सभी का पोस्टपोन हो चुका है। यदि पोस्टपोन हुआ है तो एडमिट कार्ड दोबारा आएंगे, जी हाँ, आपके एडमिट कार्ड भी दोबारा जारी किए जाएंगे, क्योंकि इसमें संशोधन, तो आपका अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता और खाली वहाँ पर प्रक्रिया चलती होती तो लोग चेंज कर देते, अब आपका डाउनलोड हो गया, आपने प्रिंट आउट भी करा लिया है तो आपका एडमिट कार्ड पर दोबारा आएगा ही आएगा, ठीक है? तो एडमिट कार्ड आपका दोबारा आएगा, ठीक है दोस्तों? अब कब से होगा फिजिकल? अब देखो दोस्तों, ये भर्ती मिशन मोड के तहत चल रही है, मोदी जी का जो मिशन मोड है कि अप मार्च 2024 से पहले ये भर्तियाँ जो है कंप्लीट कर ली जाएँ, उसमें रेलवे में, एसएससी जीडी, सीआरपी, इसमें दुनिया भर की वैकेंसी इन्होंने, तो ये आनंद फानंद में डेट देते जा रहे हैं। इनसे रिजल्ट तैयार नहीं हुआ था, इन्होंने 15 तारीख दे दी कि आपका 15 से फिजिकल है, 15 दिन की पास में जो है उनका तैयारी नहीं था, रिजल्ट नहीं घोषित कर पाए। उसके बाद में इन्होंने, अभी ग्राउंड बहुत तैयार नहीं है, इसके कई रीज़न है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड तो चाहिए। अगर हमने ग्राउंडों का नाम 105 सेंटर बना दिए और उसमें से 50 सेंटर तो बिजी चल रहे हैं, और भी तो फिजिकल चल रहे हैं, खाली इसी का थोड़ी है, एसएससी जीडी का, तो कुछ सेंटर बिजी हैं, ये भी कारण है। दूसरी, उनके पास में पर्याप्त व्यवस्था ना बन पाना, क्योंकि इसमें मेडिकल, आपको डॉक्टर भी चाहिए, मेडिकल सुविधा भी रहती है, एम्बुलेंस वगैरह, ठीक है, इसके बाद प्रॉपर स्टाफ की भी ज़रूरत रहती है, सभी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है जिससे कि आपका फिजिकल टेस्टिंग करना इनके कारण है, तो इस पर अभी कोई क्लियरिटी उन्होंने नहीं दी है, क्योंकि क्यों आपका फिजिकल टेस्टिंग किया जा रहा है, परंतु आपको मेल के द्वारा ही बताया जा रहा है कि आपका फिजिकल जो है डिले हुआ है, अभी नई डेट को जारी नहीं हुई, नई डेट जल्द ही जारी कर दी जाएगी, सभी का हो गया है। तो दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिएगा, ये ना सोचें कि अब हमारा फिजिकल पोस्टपोन हो गया है, अब हम तो सो जाते हैं, अब तो देखा जाएगा जब आएगी डेट, तो तब नहीं, ये जल्द ही आप मान के चलिए अप्रैल, तो इतनी मानिए वही 10 तक उम्मीद है, वही 10 तक शायद फिर आपके फिजिकल शुरुआत हो जाए, या मई में कोई भी ऐसी डेट रहे कि आपके फिजिकल हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, भर्ती मिशन मोड के तहत है, तुरंत ही एग्ज़ाम हुआ, तुरंत ही फिजिकल, तुरंत ही इसके सारे काम के लगातार चल रहे हैं, इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करें।
जिनकी रेस कंप्लीट नहीं थी उनके लिए एकदम गुड न्यूज भी है और जिनकी रेस कंप्लीट थी उनके लिए बैड है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी सर्दी थोड़ा सा इतनी गर्मी थोड़ी इतनी हैवी नहीं है, कि मई या जून के महीने की गर्मी का तो क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पर तो एकदम टेम्परेचर जहाँ 40 है तो वहाँ एकदम से 50 हो जाता है। राजस्थान वगैरह में तो झांसी यहाँ पर तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि आप पूछिए मत, कि घर से निकलना मुश्किल है, जब रोड में वहाँ जाकर दौड़ना तो आप सोच लो कितना कठिन होता है। तो दोस्तों इसलिए मेहनत कीजिए और अपने सिलेक्शन के लिए जिनका फिजिकल अब जैसे भी डेट रहेंगे अपना तैयारी करते रहें दोस्तों। बहरहाल फिलहाल आपका फिजिकल पोस्टपोन हो गया है, यही आपको सोचना देनी थी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।